नमस्कार दोस्तों, रेसवीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इस वक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणा, विशेषताएं और उससे जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं जिसमें जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को देखा और समझा जाता है, जहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, के बारे में हम लोगों ने जो अध्ययन किया हुआ है। अब इसी जो है टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए एनएनपी की गणना और इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को जो है देखेंगे। तो इसमें हम लोग एनएनपी तक का अध्ययन कर लिए थे, एनएनपी का हम लोग अध्ययन कर लिए थे और यह एनएनपी जो है वो डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास और इसके पहले जो है विदेशी लोगों के आय को इसमें से निकालने और भारत के जो है लोगों को, निवासियों के बाहर जो काम कर रहे हैं उनके आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होती थी। तो एनएनपी की जो गणना है वो दो आधारों पर हो सकती है। एक तो जो है साधन लागत पर, एक साधन लागत पर हो सकती है और दूसरा जो है वो बाजार मूल्य, बाजार कीमत पर जो है। इसलिए एनपी एड जो है फैक्टर कास्ट होता है एंड जो है मार्केट जो है प्राइस होता है, दो चीजों के आधार पर निकाला जाता है। इन दोनों के आधार पर जो है ये देखना आवश्यक है कि फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस में जो है क्या डिफरेंस होते हैं। जब हम एनपी की गणना जो है यानी कि किसी भी देश में वहां एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त हुए जो साधनों पर जो है निकाला जाता है तो वह एनएनपी एड जो है फैक्टर कास्ट कहलाता है। लेकिन चूंकि कोई भी मूल्य बाजार में जब बिकने के लिए आता है तो उसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की भी अवधारणाएं सम्मिलित होती हैं। तो चूंकि जब सब्सिडी सरकार देती है तो उसका मूल्य उतना प्रतिशत जितना की सब्सिडी दिया जाता है वो घट जाता है, तो इसलिए जो है ये मूल्य प्रभावित होता है और टैक्स जो होता है वो लगाता है तो बढ़ जाता है, यानी कि टैक्स लगाने से मूल्य बढ़ जाता है और सब्सिडी देने से मूल्य घट जाता है। तो जितनी सब्सिडी दी गई है अगर उसमें जो है सब्सिडी जितनी दी गई है उसको हम इसमें जो है जोड़ लेते हैं तथा टैक्स जो लगाया गया है उसको हम जो है माइनस कर देते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों कर देते हैं तो ये जो है मार्केट प्राइस आ जाता है, यानी कि मार्केट में जो है जो प्राइस रेट है उससे जो है निकल करके ये चीजें आ जाती हैं। सब्सिडी को जोड़ दिया जाए और इनडायरेक्ट टैक्स को जो है घटा दिया जाए तो अभी तक जो ये मार्केट प्राइस था वो जो है निकल करके क्या हो जाएगा, वो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट हो जाएगा। चूंकि मार्केट प्राइस जो होता है उसमें उतार चढ़ाव लगे होते हैं इसलिए हम इससे अर्थव्यवस्था के एग्जैक्ट फिगर को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमेशा नेशनल इनकम को जो है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वही राष्ट्रीय आय होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा मार्केट प्राइस होता है उनमें से सब्सिडी और इनकम टैक्स को अगर घटा दिया जाए और सब्सिडी जोड़ दिया जाए तो वो पुनः जो है फैक्टर कास्ट प्राप्त होता है, या इसमें से उल्टा कर सकते हैं, जो फैक्टर कास्ट है उसमें से माइनस सब्सिडी को कर देते हैं और प्लस इनकम टैक्स को लगा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को लगा देते हैं, तो ये जो हो जाता है मार्केट प्राइस। तो ये अवधारणाएं आपको समझ में आएंगे, इसीलिए एमपी की तुलना में जो एफसी को जो है लिया जाता है। तो यह जो है रही एनएनपी की गणना के संदर्भ में बातें। एक और चीज है, अब जो आय है उसके संबंधित कुछ और अवधारणाएं जिसको हम लोग देखेंगे, तो एक है बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय, और दूसरा है स्थिर कीमत पर, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। ये दो तरीके से गणना की जाती है। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय, जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है, जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन बाजार में जो है प्रचलित जो है कीमतों के आधार पर करते हैं तब वह जो है बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय हो जाती है और इसी को हम जो है मौद्रिक आय भी कहते हैं, इसी को जो है हम मौद्रिक आय भी कहते हैं। बाजार कीमत मतलब जो सामान्य रूप से जो है प्रचलित कीमत जो है मूल्य है वस्तु का या सेवा का उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो वो बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय होती है, इसे ही जो है हम मौद्रिक आय कहते हैं।
अब स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय है, किंतु जब हम किसी भी देश या किसी भी जो है अर्थव्यवस्था के एक निश्चित समय यानी कि वित्तीय वर्ष में वहां की मौद्रिक आय का आकलन जो है वह हम किसी आधार वर्ष की तुलना में करते हैं, आधार वर्ष के सापेक्ष करते हैं, तो वह आय जो है स्थिर आय होती है। आधार वर्ष जो है पूर्व में एक ऐसा वर्ष होता है जो सामान्य स्थिति को व्यक्त करता है, जिसमें कोई विशिष्ट घटनाएं नहीं होती हैं, जिससे कि अन्य वर्षों की जो आंकड़े हों वो उसके आधार पर एक सापेक्षिक रूप से जो है प्रगतिशील स्थिति को व्यक्त कर सकें। तो ये स्थिर कीमतें होती है। आधार वर्ष समय समय पर जो बदलता रहता है सरकार के द्वारा, कि ताकि जो है हम अर्थव्यवस्था के विकास के एक सही स्वरूप को दिखाने में सफल हो जाए। इसलिए बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय और दूसरा जो है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय होती है। एक होता है वैयक्तिक आय, वैयक्तिक आय। अब वैयक्तिक आय से जो है तात्पर्य जो है राष्ट्रीय वैयक्तिक आय में, जब जो है वैयक्तिक आय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का वह भाग सम्मिलित किया जाता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा पर किए गए व्यय और निगम कर को जो है घटा दिया जाता है, सामाजिक सुरक्षा पर किए गए व्यय एवं निगम कर को घटा दिया जाता है। वैयक्तिक आय के अंतर्गत जो है सामाजिक सुरक्षा पर किए गए व्यय एवं निगम कर को जो है घटा दिया जाता है, इन दोनों को जो है घटा दिया जाता है, तथा इसमें जो है प्लस क्या कर दिया जाता है, शुद्ध ब्याज यों जो है अंतरण भुगतान, इनको जो है जोड़ दिया जाता है, शुद्ध ब्याज एवं अंतरण भुगतानों को जोड़ दिया जाता है। तो यह क्या होता है, वैयक्तिक आय बन जाता है, इसे वैयक्तिक आय कहा जाता है। अब दूसरा है व्यय योग्य वैयक्तिक आय, व्यय योग्य वैयक्तिक आय। व्यय योग्य वैयक्तिक आय जिसे कहते हैं, अभी वैयक्तिक आय जैसे किसी भी जो है व्यक्ति की वैयक्तिक आय जो होती है उसमें जो है माइनस कर दिया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स को, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को यानी कि व्यक्ति का जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, कर लगाए जा रहे हैं व्यक्ति के ऊपर, वैयक्तिक आय में जो है जो उसकी वैयक्तिक आय होगी जब उसमें से जो है कर को जो है आय कर को निकाल दिया जाएगा, तो वो जो आय होगा वही उसका जो है व्यय योग्य आय होगा, क्योंकि वो आय जो है जो वैयक्तिक आय थी उसमें से कर को निकाल दिया जाता है, वही आय व्यक्ति को प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है वही उसका जो है व्यय योग्य आय हो जाती है। एक है व्यय योग्य राष्ट्रीय आय, व्यय योग्य राष्ट्रीय आय, एक होता राष्ट्रीय आय, दूसरा व्यय योग्य राष्ट्रीय आय। कुछ ऐसी प्राप्तियां होती हैं सरकार जिनमें जो है विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करता, क्योंकि कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करता इसीलिए वह राष्ट्रीय आय में तो सम्मिलित नहीं होती है, लेकिन वह सरकार को उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होती है और वह सरकार की जो है खर्च करने की क्षमता को व्यक्त करती है, इसीलिए वह जो है आ जाती है व्यय योग्य राष्ट्रीय आय के अंदर। इसके अंतर्गत सभी शुद्ध निबल प्राप्तियों को सम्मिलित, निबल का मतलब उसके बदले कोई देयता सरकार की नहीं बनती है। अब इसमें अगर विदेशों से कोई उपहार या अनुदान प्राप्त होता है तो वह भी इसी श्रेणी में जो सम्मिलित होता है, तो यह क्या हो जाता है, बेयोग्य राष्ट्रीय आय। यह राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता, राष्ट्रीय आय में केवल वही प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं या वही आय सम्मिलित होता है जो प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में काम करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर बेयोग्य राष्ट्रीय आय वह आय भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो स्रोतों से प्राप्त होते हैं, परंतु उस पर सरकार की कोई देयता नहीं बनती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो है आज के लेक्चर में एनएनपी की दो गणनाएं हैं, फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, और इसी स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को ही वास्तविक आय भी कहा जाता है, उसके बाद वैयक्तिक आय, व्ययोग्य वैयक्तिक आय, तथा व्ययोग्य राष्ट्रीय आय को देखा। अब हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ जो है संगठनों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति 1950 ईस्वी में जो है अगला जो संगठन है सर्वेक्षण,
संगठन, यहाँ पर प्रतिदर्श है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो तीन महत्वपूर्ण संगठन है जो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय समिति, ये 1949 ईस्वी में पीसी मालनोविस की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसके माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता था। और पुनः जब जो है ये 1951 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना हो गई, तो उसके उपरांत जो है ये राष्ट्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही इसका आकलन किया जाने लगा। राष्ट्रीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ आंकड़े हैं उसको भी जो समझना आवश्यक है, कि अवधारणाओं के साथ साथ कुछ फैक्ट को भी हमें समझना है, क्योंकि वो एक की पॉइंट होता है और वहां से नीतियां योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। तो राष्ट्रीय आय समिति सबसे पहली बार भारत में अगर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद, तो ये व्यवस्थित रूप में राष्ट्रीय आय का आकलन करना प्रारंभ किया, जिसकी जो है स्थापना 1949 ईस्वी में की गई। राष्ट्र पीसी महानोविस इसके अध्यक्ष थे। बाद में विभिन्न प्रकार की योजनाओं और नीतियों को जो है क्रियान्वित करने और बनाने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना की गई। और बाद में 1970 ईस्वी में जो है यही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहलाता है। और ये जुलाई से जून के बीच में एक इसका जो सर्वेक्षण वर्ष चलता है, जिसमें ये विभिन्न विषयों से संबंधित आर्थिक आंकड़ों का जो है संग्रहण करता है। दूसरा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और इसके जो रिपोर्ट होते हैं, वार्षिक जो रिपोर्ट प्रकाशन किया जाता है, उसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। जो रिपोर्ट वार्षिक ये प्रस्तुत करता है और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है, और इसी को जो है श्वेत पत्र के नाम से भी जो जाना जाता है। तो इस तरीके से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, इसका महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय आय का जो आकलन करना है। और ये राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसी जो है स्थिर वर्ष के सापेक्ष करता है, यानी कि स्थिर कीमतों पर यह राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। और यही आय जो होती है देश की वास्तविक आय होती है, और आधार वर्ष जो होता है एक प्रतिनिधि करने वाला एक प्रतिनिधि वर्ष होता है, जिसके सापेक्ष किसी वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय का आकलन सीएसओ के माध्यम से किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो संगठन है, जिसके अंतर्गत जो है ये चीजें जो निकल करके सामने आती हैं कि इनका क्या क्या समय समय पर जो है काम रहा है। अब हम राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि को देख लेते हैं। या इसके पहले ये भी, राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया गया था। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहली बार जो भारत में 1867 ईस्वी में दादा भाई नवरोजी के द्वारा किया गया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इनकी है, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेना आवश्यक है, एक क्रम बन जा रहा है कि पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय आय जो पिछले कक्षा में देखा पढ़ा था अवधारणा, आज जो है शुद्ध राष्ट्रीय आय का आकलन और विभिन्न आय से संबंधित अवधारणाओं को देखा, पुनः राष्ट्रीय आय से संबंधित संगठनों को देखा, अब राष्ट्रीय आय का आकलन भी देख लेते हैं कि दादा भाई जो है डी बी नेहरूजी के द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंतर्गत जो है सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया। और उन्होंने जो है देश की जो 1867 ईस्वी में राष्ट्रीय आकलन किया, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आकलित किया गया। उसके बाद जो है 1949 ईस्वी में जो है पीसी महानोविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति बनी, उन्होंने भी जो है राष्ट्रीय आकलन किया, और उन्होंने जो है 246 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। फिर 1951 से लेकर के सीएसओ के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किया जाता रहा है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय के आकलन के जो है प्रयास भी जो पूर्व में किए गए थे। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि, तीन प्रकार की जो विधियां हैं, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। ये तीन महत्वपूर्ण विधियां भारत में जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, यानी कि तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीय क्षेत्र। इन तृतीय क्षेत्रों की समस्त गतिविधियों के लिए जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनसे प्राप्तियां होती हैं, वो इन्हीं तीनों जो है माध्यमों से जो है
आकलित की जाती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कृषि इसमें मुख्य रूप से आता है। व्यय विधि में जो है निर्माण को जो है मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, और इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र में विनिर्माण को भी जो है सम्मिलित किया जाता है। यह विधियों के अंतर्गत, हम क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की जो विधियां हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उत्पादन विधि हो गया, व्यय विधि में निर्माण को शामिल किया जाता है, और शेष चीजें जो है वो सभी जो है आय विधि से आकलित की जाती है। और इसमें विशेष रूप से जो है सेवा क्षेत्र को जो है देखा जाता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में हम सर्विसेज के बदले जो है प्राप्तियां करते हैं, इसलिए ये आय के रूप में जानी जाती है। निर्माण में जो है हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल को यूज करते हैं, तो वो व्यय के रूप में जो है इसका आकलन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि भारत में राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए जो है राष्ट्रीय आय का आकलन शेषों के द्वारा किया जाता है। तीन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। इनके माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, और इसके लिए पूरे जो अर्थव्यवस्था को जो है 6 जो है क्षेत्र और जो है 14 उप क्षेत्रों में जो इसको विभाजित किया गया है। उप क्षेत्रों में जैसे अभी व्यय में है जो है निर्माण है, विनिर्माण है, बिजली गैस एवं जलापूर्ति है, तो निर्माण इसमें रह गया, विनिर्माण यहां शामिल हो गया, बिजली गैस एवं जलापूर्ति जो है वो आय विधि में जो है चला जाता है। तो इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन की गतिविधि को जो है संपन्न किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के लिए जो राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर रही है उसके आधार पर तीन प्रकार की अवधारणाएं भी जो है प्रचलित है। एक हिंदू वृद्धि दर है, औसत वृद्धि दर है, और तीसरा जो है न्यू या नई जो है हिंदू वृद्धि दर, इसे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नाम दिया गया है। यह जो है रामकृष्ण के द्वारा जो प्रस्तुत विचारधारा जिसमें भारत की जो है अर्थव्यवस्था में 3.5% की दर से जो वृद्धि दर रही है, और यह जो है 1950 से लेकर के 80 के बीच में रही है। 80 से लेकर के 2000 के बीच में जो है अगर देखा जाए तो भारत में जो है 5.5% की दर से जो वृद्धि दर रही है, और 2000 के जो बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत में जो है ये 7.5 के आसपास हो गई। इसी को जो है नई हिंदू वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो है भारत में राष्ट्रीय आय को लेकर के जिस तरीके से जो है वृद्धि हुई है समय समय पर ऐतिहासिक रूप से, उसके लिए अलग अलग नाम जो है प्रस्तुत किए गए, हिंदू वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर और नई हिंदू वृद्धि दर के नाम से इसे जाना जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग राष्ट्रीय आय के बचे हुए जो भाग को, यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ संगठन, राष्ट्रीय आय का आकलन और राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि इत्यादि का अध्ययन किया। तो उम्मीद करता हूं कि पिछले टॉपिक को मिला करके अगर देखा जाएगा तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में दो चीजें जो मैंने समझा है उसको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते समय हमेशा से आपके जो है मन में ये बातें होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन हमेशा जनसंख्या वृद्धि दर और महंगाई के जो है तुलना में करना चाहिए, क्योंकि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर जितनी है उतनी ही महंगाई बढ़ जाती है तो राष्ट्रीय आय जो है अप्रभावित हो जाती है। इसी तरीके से अगर जनसंख्या की वृद्धि देखा जाए, जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ रही है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो हो रही है लेकिन जनसंख्या में वृद्धि दर उससे ज्यादा है तो देश की राष्ट्रीय आय या वैयक्तिक आय जो है प्रभावित हो जाएगी, वैयक्तिक आय जो है वहां पे वो घट जाएगी। तो इसलिए जो है ये समझना आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय की जो है वृद्धि के साथ साथ जो है जनसंख्या की वृद्धि और महंगाई में एक संतुलन का होना आवश्यक है, तभी एक अर्थव्यवस्था जो है विकास के उच्च स्तर को जो है प्राप्त कर पाएगा। तो इन सभी बातों के साथ जो है राष्ट्रीय आय का ये चैप्टर हम लोग समाप्त करते हैं। इस पे आधारित जो भी वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे उस पे एक अलग सेशन जो है प्रारंभ किया जाएगा, जिससे आपको यहाँ से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।